दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन 3.0, लेटेस्ट वर्जन 3.0.1 और इसके आगे के जो वर्जन आएंगे उसमें यदि आप स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह से क्रिएट करेंगे, और स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ही उस स्टॉक आइटम पर जो HSN कोड है, जो उस HSN कोड का डिस्क्रिप्शन है और जो GST रेट है वो आप सेट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। दोस्तों इसके लिए मैं आ गया अपनी फर्म में और यहाँ पर मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से मैंने क्रिएट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए इस जगह पर और यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों स्टॉक आइटम क्रिएशन फॉर्म हमारे सामने ओपन होकर आ गया। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो न्यू वर्जन 3.0 और लेटेस्ट वर्जन 3.0.1 है उसमें स्टॉक आइटम क्रिएशन फॉर्म आपको इस तरह से ओपन होकर मिलेगा। लेकिन इससे पूर्व के जो वर्जन थे उसमें जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाते थे तो वहां पर स्टॉक आइटम क्रिएशन फॉर्म कुछ अलग तरह से ओपन होकर आता था। तो जानते हैं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का न्यू वर्जन 3.0, लेटेस्ट वर्जन 3.0.1 और इससे आगे के वर्जन आएंगे उसमें आप स्टॉक आइटम किस तरह से क्रिएट करेंगे और स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय HSN कोड, GST रेट आदि आप किस तरह से सेट करेंगे। नेम में क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट के नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट करने आए वो प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये है ना, तो मैंने यहाँ पर उसका नेम डाल दिया है ना। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस के अंडर में हमारा कर्सर आ गया और यहाँ पर आपको जो भी ग्रुप के अंडर रखना है वो ग्रुप यहाँ से ले सकते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से, है ना। तो मैं इसको प्राइमरी ग्रुप में ही रहने देता हूँ और मैंने एंटरप्रेस कर दिया। यूनिट्स में हमारा कर्सर आ गया और यहाँ पर पैकेट में इसकी यूनिट सेट करना चाहता हूँ, तो जिस तरह से इसके प्रीवियस वर्जन में हम यूनिट सेट करते थे उसी तरह से इसमें भी सेट कर सकते हैं, है ना। तो पैकेट नेम से मैंने यूनिट पहले से क्रिएट कर रखी है, तो यहाँ पर यूनिट में हमारा कर्सर है और लिस्ट ऑफ यूनिट्स में से मैंने पैकेट को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अल्टरनेट यूनिट आप सेट करना चाहते हैं तो उसी तरह से सेट कर सकते हैं जिस तरह से कि प्रीवियस वर्जन में करते थे। अब यहाँ पर हम आ गए GST एप्लीकेबल में, हमारा कर्सर आ गया, यहाँ आप स्पेस की प्रेस करिए तो यहाँ पर आपको एप्लीकेबिलिटी में नॉट एप्लीकेबल और एप्लीकेबल दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, तो मैं इसको करूँगा एप्लीकेबल क्योंकि इस पर GST एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर GST एप्लीकेबल मैंने कर दिया स्टेटरी डिटेल्स में। अब हमारा कर्सर आ गया इस जगह पर। अब देखिए यहाँ पर जब हम इससे प्रीवियस वर्जन में HSN कोड और डिस्क्रिप्शन आदि सेट करते थे तो उसके लिए हमें सेकेंड पेज पर जाना पड़ता था। अब इसी एक ही पेज पर आप सारी डिटेल डाल सकते हैं और देखना हो तो एक ही पेज पर आपको सारी डिटेल आकर देख सकते हैं, आपको सेकंड पेज पर जाने की जरूरत नहीं है। अब इस जगह हम आ गए। अब यहाँ पर देखिए HSN SSC एंड रिलेटेड डिटेल्स में हमारा कर्सर आ गया HSN SSC डिटेल में। यहाँ पर देखिए साइड में एक पॉपअप आ गया जहां पर लिस्ट ऑफ एक्शन में आपको 300 है ना, तो यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप सबसे पहला है, तो एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है यदि आपने कंपनी में किसी और जगह HSN कोड सेट कर रखा है उसी को सेट रहने देना चाहते हैं तो आप इसको कर दीजिए, या आपने जो स्टॉक ग्रुप जैसे कि यहाँ पर हमने प्राइमरी स्टॉक ग्रुप डाला है इसके अंडर रखा है प्राइमरी स्टॉक ग्रुप के, यहाँ पर यदि आपने अंडर में कोई दूसरा ग्रुप रखा है और उस ग्रुप में ही आपने HSN कोड सेट कर रखा है तब आप इसको सेट कीजिए, ठीक है ना। लेकिन आप पर्टिकुलर जो स्टॉक आइटम क्रिएट करने आए हैं उसके लिए यहीं पर HSN कोड सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर करना होगा स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। मैंने इसको कर दिया HSN SSC डिटेल्स में, मैंने कर दिया स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यानी मैं इसी जगह पर इस स्टॉक आइटम से रिलेटेड HSN कोड डालना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है HSN कोड डाल देना। मैं मान के चलता हूँ इसका HSN कोड है ये है, तो 4 डिजिट का मैंने HSN कोड डाल दिया। अब HSN कोड का जो आपको डिस्क्रिप्शन डालना है वो आप इस जगह पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम फिर एंटरप्रेस करेंगे। अब हमारा कर्सर आ गया GST रेट एंड डिटेल्स डिटेल्स में ना। अब GST रेट डिटेल्स में हमारा कर्सर है तो यहाँ पर भी हमारे लिए वही ऑप्शन खोलकर आ गए एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप। यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है यदि आपने कंपनी में किसी और जगह GST रेट सेट कर रखा है और उसी को इसमें चाहते हैं तो ये आप यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप कर दीजिए। इसके अलावा जो आपने स्टॉक ग्रुप इसमें डाला है अंडर रखा है जिस स्टॉक ग्रुप के उस स्टॉक ग्रुप पर ही आपने GST टैक्स रेट सेट कर दिया है तो आप इसको ऑप्शन को यहाँ पर करिए एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैंने किसी और जगह पर स्टॉक ग्रुप आदि में कहीं पर भी GST रेट सेट नहीं कर रखा है, पर्टिकुलर जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ उस स्टॉक आइटम पर जो भी GST टैक्स रेट होता है वो मैं उसी स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय वहाँ पर सेट करता हूँ, तब आपको यहाँ पर करना होगा स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। मैंने स्पेसिफाई डिटेल्स हियर कर दिया। टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल आ गया यहाँ पर बाई डिफॉल्ट और साइड में पॉपअप भी आ गया। यहाँ पर टैक्सेबिलिटी टाइप में आपको एग्जेम्प्ट, नील रेटेड, नॉन GST और टैक्सेबल चारों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो ये टैक्सेबल है तो मैं यहाँ पर टैक्सेबल कर दूंगा। आप जो प्रोडक्ट के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है या नॉन GST तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। ये टैक्सेबल है तो मैंने यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया। GST रेट में हमारा कर्सर आ गया। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड टैक्स डालना है यानी टोटल जो टैक्स है वो आपको इस जगह पर डाल देना है, तो मैं मान के चलता हूँ इस पर 28% GST टैक्स रेट है, मैंने इस जगह पर डाल दिया। टाइप ऑफ सप्लाई में आप कैपिटल गुड्स,
गुड्स और सर्विसेज जो भी है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूंगा गुड्स क्योंकि ये गुड्स है ना, तो मैंने इस तरह से कर दिया। और इस तरह से आने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में इससे प्रीवियस का कोई क्लोजिंग बैलेंस है वो आप क्वांटिटी रेट डालना चाहते हैं, वैल्यू डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, नॉर्मल जो स्टॉक आइटम है जिन पर की जीएसटी टैक्स रेट है तो उनका जीएसटी टैक्स रेट और एचएसएन कोड आप सेट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो स्टॉक आइटम मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ है ना, उस स्टॉक आइटम पर सेस टैक्स भी है, यानी इस पर 28% जीएसटी टैक्स रेट है, इसके साथ ही साथ इस पर 60% सेस भी है। तो यदि जो स्टॉक आइटम आप क्रिएट करने जा रहे हैं उस पर सेस नहीं है तो यहीं से आप एक्सेप्ट कीजिए और इस स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लीजिए। लेकिन जो स्टॉक आइटम आप क्रिएट करने जा रहे हैं उस पर सेस भी है तो वो सेस भी आपको यहां पर सेट करना होगा, तभी वो आपकी एंट्रीज में कैलकुलेट होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहां पर कि हम सेस को सेट कर सकें। एचएसएन से रिलेटेड हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, जीएसटी रेट से रिलेटेड ऑप्शन मिल रहा है और उनको हम यूज भी कर चुके हैं, लेकिन सेस से रिलेटेड हमें यहाँ पर कोई भी कॉलम नहीं मिल रहा है और उससे रिलेटेड हम जानकारी नहीं डाल पा रहे। तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से F12 प्रेस करना है, आप आ जाएंगे कॉन्फिगरेशन में, और कॉन्फिगरेशन में आने के बाद यहाँ पर जाना होगा दोस्तों आपको जीएसटी डिटेल्स के अंतर्गत। तो आप एंटर प्रेस करते हुए आ जाइए जीएसटी डिटेल्स के अंतर्गत, और जब आप जीएसटी डिटेल्स के अंतर्गत आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस था, इस वजह से हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय जीएसटी डिटेल डाल पाए। एचएसएन डिटेल हम तभी डाल पाए क्योंकि यहाँ पर इसको यस कर रखा था है ना। इसके अलावा प्रोवाइड एचएसएन एसएससी डिस्क्रिप्शन का कॉलम भी आ रहा था क्योंकि ये भी यहां से यस था है ना। तो आपको क्या करना है, सेस सेट करना है, तो यहां पर प्रोवाइड सेस रेट डिटेल्स इसको आपको यस करना होगा। तो मैंने क्या किया, प्रोवाइड सेस रेट डिटेल्स को मैंने यस किया और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए यहां पर सेस से रिलेटेड जो है वो भी हमारे सामने कॉलम आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैक की प्रेस करेंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। अब देखिए कर्सर हमारा आ गया सेस वैल्यूएशन टाइप में, यहाँ पर साइड में पॉपअप आ गया, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है यदि आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, यानी कोई स्टॉक आइटम आप ऐसा क्रिएट करते हैं जहां पर कि ये सेस वैल्यूएशन टाइप ओपन होकर आ जाता है और उस पर सेस नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। और जिस पर है तो उसके लिए आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो सेस कैलकुलेट कराना चाहते हैं इस स्टॉक आइटम पर, तो क्वांटिटी के बेस पर कराना चाहते हैं, वैल्यू के बेस पर कराना चाहते हैं, या बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी, दोनों के बेस पर कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कराना चाहूंगा बेस्ड ऑन वैल्यू है ना, तो वैल्यू के आधार पर मैं इस पर सेस टैक्स कैलकुलेट कराना चाहूंगा, तो यहाँ पर बेस्ट और वैल्यू कर दिया, सेस रेट। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना सेस रेट आप इस पर लगाना चाहते हैं, कैलकुलेट कराना चाहते हैं, वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो इस पर 60% सेस का रेट भी है ना, ये पान मसाला है तो इसलिए इस पर 28% जीएसटी भी है, 60% सेस भी है, तो सेस रेट मैंने यहाँ पर 60% कर दिया। तो इस तरह से जब कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं जिस पर कि जीएसटी के साथ साथ सेस भी है तो आप इस तरह से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करने के लिए इस तरह से आपके पास पॉपअप आ जाएगा, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आप इस तरह से स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.0.1 और इससे आगे के जो वर्जन आएंगे उसमें आपको स्टॉक आइटम इस तरह से क्रिएट करना है। धन्यवाद।